नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम तिवारी और स्वागत है आपका अपने चैनल शुभ गुरु गुरु पर। मित्रों, हमने अपने लास्ट कुछ वीडियो में ये सब काफ़ी सारी चीज़ें ग्राफ बना रखे हैं। अगर आप ये सारे वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में दे रखा हूँ, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्राफिक्स आप बनाना सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं अपने लास्ट वीडियो में लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था और बताया था कि मैं अगले वीडियो में लिस्ट के एप्लीकेशन टर्टल में करूंगा। ठीक, तो मैं एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट करूँ उससे पहले एंट्रो। लगभग 3 से 4 लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, तो यार अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ये टर्टल का टेम्पलेट ले रखा हूँ, तो इसको मैं पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ आज के लेक्चर के लिए। तो मैं एक यहाँ पर फाइल बना लिया हूँ और अपने टेम्पलेट से मैं सारे कोड कॉपी कर लिया हूँ, बार बार बताने की जरूरत फिलहाल नहीं है। स्क्रीन का सेटअप कर लिया है, उसके बाद में पेन को सेटअप किया हूँ। इसका शेप का साइज 3.3 है और पेन का कलर रेड है। अगर आप ये बेसिक चीज़ें आप नहीं जानते तो मेरी लास्ट यानी कि वीडियो आई बटन में चेक कर सकते हैं। तो अब मैं कोड पर डायरेक्ट आता हूँ और ये ब्रांडिंग के लिए है जो लास्ट में नाम लिख देगा। मैं इसको सिंपल रन कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरा शुभ गुरुकुल लिख गया है और यहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन है बिल्कुल। तो अब हमको इस पर क्या करना है, कुछ कुछ चीज़ें बनानी है जो हम अपने लास्ट वीडियो का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने लिस्ट बनवाया था एक, तो अगर आपको याद होगा तो आप ये लेक्चर मेरा अगर अब तक नहीं देखे तो देख लीजिए। मैं यहाँ से कलर्स को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, अब ये कलर्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हम इन कलर का यूज करके कुछ बढ़िया चीज बनाए, तो सबसे पहले करते हैं फॉर आई इन। ये चीज़ें बहुत बेसिक है, मैं बहुत पहले स्टार्टिंग में ये चीज़ें बनवा रखा हूँ, तो उसमें कोई भी इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और सर्कल कितना रेडियस कराएंगे, 100 रेडियस का बना देते हैं। और फिर पेन डॉट लेफ्ट 20 डिग्री, और फिर रन करके देखते हैं कि क्या होता है। कुछ कुछ ऐसा बनता जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हर बार क्या हो, जो सर्कल है उस सर्कल का कलर चेंज हो जाया करे। अब सर्कल का कलर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे क्या, कि हर बार भाई पेन का कलर चेंज कर दिया करो। पेन डॉट पेन कलर, पेन कलर क्या कर दिया जाए, इस कलर्स का एक बार रेड करे, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, ऐसे ऐसे करता जाए। तो ब्लैक कुछ अच्छा कलर नहीं है, तो हम ब्लैक ब्लैक स्क्रीन भी और ब्लैक कलर है, तो ब्लैक को हम चेंज कर देते हैं और व्हाइट कलर को चेंज कर देते हैं। और ब्लैक को चेंज करके मैं येलो कर देता हूँ और व्हाइट को चेंज करके क्या कर दें, पर्पल। ठीक, और फिर हम बार कलर्स का क्या यूज करें, अब इंडेक्स यहाँ पर हम यूज कर लिया करेंगे। देखो टोटल कितने कलर हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो हमको ये भी 5 ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कलर्स इंडेक्स हम यूज कर देंगे आई। देखोगे हर कलर चेंज होता रहेगा और हम लोग इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी कि फास्टेस्ट कर देते हैं, जिससे कि बार बार रेंगता हुआ ना करे। तो अब देखेंगे कि थोड़ा सा बहुत ही कूल थिंग आपको दिखाई देगी। ये देखो, ये सर्कल डरा तो इतना ही हुआ, लेकिन इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। तो सर्कल आप सोच रहे होंगे कि दो बार रेड रेड ही क्यों हुआ, तो रेड स्टार्टिंग से ही पेन कलर का रेड था, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये पहले बार रेड होगा, फिर ब्लू होगा, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऐसे से होता जाएगा। अब हम इसको चाहते हैं कुछ और देर तक और कुछ और कई और बार, कई बार ये लूप प्रिंट करता जाए। तो फॉर आई इन
मैं 100 बार करता हूँ और इसको सब टाइप करके समझ लो नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट भी यहाँ यूज हो गया है और लिस्ट का कॉन्सेप्ट भी यूज कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि कितना बढ़िया ये सर्कल यहाँ पर ड्रा हो रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी शानदार ग्राफ है, इसको हम स्पायरोग्राफ बोलते हैं। अभी इसे आप स्क्वायर यानी कि क्या बना सकते हैं, स्क्वायर का स्पायरोग्राफ भी बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बनाए थे ना कि ये जैसे कि ये ऑक्टागन बनाए थे, तो अब इसी फाइल पर हम वापस जाएंगे और फिर से सबको चेंज चेंज करके देखेंगे और कलर्स को केवल हम लोग बार बार चेंज करेंगे। तो हम चलते हैं अपने उसी वाले फाइल पर। फिलहाल 100 बहुत ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, 500 बार एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग जस्ट ये बार बार कलर चेंज करता है जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे, वही चीज़ हम कर रहे थे। तो ये हम लोग जब लूप का प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम लोग ये सब बनाए थे। तो इसको मैं बाकी चीज़ें कमेंट कर देता हूँ, सर्कल वाला चीज़, क्योंकि सर्कल हम लोग पहले से करके देख चुके हैं, और इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, इसको मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ। अब देखेंगे, अब हर बार हम इसको कलर चेंज करेंगे। अब कलर चेंज करने के लिए अपना हम लास्ट कोड कॉपी कर लेते हैं और इसको यहीं पर लाकर पेस्ट कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पर हर बार हम क्या करेंगे, पेन का कलर चेंज करते जाएंगे भाई। पेन डॉट पेन कलर और कलर्स, यहाँ पर क्या लिख दें, जे, क्योंकि जे की वैल्यू 1 से 8 तक तो जा रही है। अब देखो ये मैं अभी के लिए 8 की बजाय, चलो ठीक है 8 ही जा रही है, कोई बात नहीं, हम लोग तो रन करके देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये फाइल जस्ट रन हुआ और ऑफ हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जे की वैल्यू 0 से 7 तक जाती है, जबकि हमारे कलर्स क्या है 0 से 5 तक ही। तो ये क्या होगा, यानी कि ये एरर देकर बंद हो जाया करेगा। तो इसको हम लोग 5 कर देते हैं जितना की है, और हम लोग अभी के लिए पेंटागन बनाते हैं, यानी कि 5 भुजाओं वाला चीज़। और अगर 5 भुजाओं बनाएंगे तो ये एंगल कितना करना पड़ेगा, ये देखो ये कितना अच्छा बन गया है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें रेड कलर गायब है, हम अब बैकग्राउंड क्या कर देते हैं, ब्लैक, जिससे कि रेड कलर विजिबल हो जाए। ये आप देख सकते हैं कितना शानदार ग्राफ बना है। आप शायद ऐसा ग्राफ कभी भी सोचे भी नहीं कि इतना अच्छा ग्राफ आप इतने आसानी तरीके से बना सकते हैं। आई होप आपको ये सब बनाकर थोड़ा सा मज़ा आ रहा होगा। ये एक व्हील टाइप में बन गया है जो कि रंग बिरंगा व्हील है। अब हम इसका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट इसका यूज़ करेंगे और फिर और आगे बनाकर देखते हैं। यहाँ 5 है, 72 डिग्री है। अब इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, हम लोग लेट से हेक्सागन बना कर देखते हैं, 6 करते हैं और लेफ्ट 6 करेंगे तो कितना मुड़ना पड़ेगा, 6×36 यानी कि 60 डिग्री। और हमको एक कलर से बढ़ाना पड़ेगा, तो लेट से मैं पहला कलर वाइट कर देता हूँ, क्योंकि वाइट तो ब्लैक पर आएगा ही, तो वाइट करने में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और फिर इसको रन कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना शानदार ग्राफ बन गया है। इसमें कुछ व्हाइट है, कुछ ब्लैक है, कुछ अलग अलग कलर्स इसमें आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और बहुत सारे ग्राफ इसको बना सकते हैं इन लिस्ट का यूज़ करके। मैं जितना पिछले लेक्चर बता रखा हूँ उसमें सब जगह आप लिस्ट का यूज़ करके और क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया ग्राफ बना सकते हैं। अगर आप कोई और अच्छा ग्राफ बनाते हैं तो आप उसका फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करो, जिससे कि मैं भी देखूं और मुझे भी खुशी हो कि आप लोग कुछ कर रहे हैं। ठीक, और ये सारे कोड मैं क्या करता हूँ,
अपने गिटहब प्रोफाइल पर मैं गिटहब पर अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि आप वहाँ पर जाकर कोड फिर से देख सकते हैं। तो अब मैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ और बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाकर दिखाऊंगा, और जिसमें कि आप देखकर और ज़्यादा खुश होंगे और ज़्यादा मोटिवेट होंगे टर्टल को लर्न करने के लिए। और मैं फ्यूचर में भी गेम भी मैं आपको इसका यूज़ करके बनवाऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप और दोस्तों आप इस चैनल को इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मैं अपने कुछ वीडियो में हार्ट बनाना भी सिखाया हूँ, तो अगर आप हार्ट बनाना चाहते हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं अपने स्किल को, आप ऐसा करके दिखा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मैं अपने अगले वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ में मिलूंगा। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछो, या फिर अगर आप कोई पर्सनल डाउट पूछना चाहते हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग में भी बिगिनर हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ कर सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कम्प्लीटली कोर्स बनाने वाला हूँ इस पाइथन प्रोग्रामिंग पर, जिससे कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं आता हो फिर भी आप एक मास्टर लेवल का प्रोग्रामर हो जाएंगे, और फिर आप किसी भी कंपनी को फोड़ सकेंगे। तो वीडियो को फिलहाल अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, सी हैव अ गुड डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में।